20 फरवरी सुबह 7 बजे से तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण बीजेपी और सपा के लिए काफी अहम है। इस चरण में दोनों दलों के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी और सपा के बीच कई सीटों पर बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने इस चरण की कई सीटों को नाक का सवाल बना लिया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग है। दोनों प्रमुख दल बीजेपी और सपा के लिए ये तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने इस इलाके में बम पर बहुमत हासिल किया था। इसलिए बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को इस तीसरे चरण में जरूर दोहराना चाहेगी और 8 सीटें जीतने वाली सपा पिछली कसर को पूरा करना चाहेगी। आपको ये बता दें कि तीसरे चरण में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा का गढ़ कहे जाने वाली करैल सीट से मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने अखिलेश की घेराबंदी के लिए यादव परिवार के तौर तरीकों को समझने वाले समाजवादी पार्टी के एक जमाने में करीबी रहे एसपी बघेल को मैदान में उतारा है, इसलिए करैल सीट पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। वहीं तीसरे चरण की दूसरी हॉट सीट है जसवंत नगर, जहां से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने शिवपाल यादव के खिलाफ अपने युवा चेहरे विवेक शाक्य पर दांव लगाया है। इन दोनों के अलावा तीसरे चरण की महाराजपुर और कन्नौज सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि महाराजपुर सीट से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना चुनाव मैदान में हैं। महाना 8वीं बार किला फतेह करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सपा ने सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले फतेह बहादुर सिंह को टिकट देकर सतीश महाना की घेरेबंदी करने की कोशिश की है। तीसरे चरण में एक और हॉट सीट है कन्नौज, जहां से बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को, यहां 3 बार के सपा विधायक अनिल दोहरे को पटकनी देने के लिए मैदान में उतारा है। हालांकि असीम अरुण की राह कोई आसान नहीं है। सपा ने इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और यही वजह है कि खुद अखिलेश यादव असीम अरुण का नशा उतारने की बात कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे सावधान करने आए हैं, ये लोग गर्दी उतार के आए हैं, इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे? बात अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो तीसरे चरण की 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। वहीं सपा के खाते में 8 सीटें गई थीं, जबकि बीएसपी और कांग्रेस को एक एक सीट ही मिली थी। कुल मिलाकर तीसरे चरण की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने ही अपने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए तीसरे चरण का चुनाव अहम है, क्योंकि यहीं से यूपी में आगे की चुनावी दिशा तय होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।